कैसे आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आप सभी को सबसे पहले हैप्पी नवरात्रा, क्योंकि आज से नवरात्रि शुरू है। और मैं सुबह जल्दी उठा था और काम कराने लग रहा था, घर की साफ सफाई की है और इस साइड देखो मम्मी जिन सभी जगह पोछा मारती है और इस साइड मारने लग रही है नहीं ये नहीं। और दोस्तों एक और चीज़ दिखाता हूँ, इस साइड देखो जूते ये मैंने उठा के ऊपर रख दिए, देखो कितने गंदे कर दिए सारे जूते। इस ढेर ढेर लगा रखा है जूतों का पूरा, स्लीपर्स का भी क्या हाल कर दिया, पहनने के होते हैं खराब कर रखे हैं सभी। और देखो इस काम चल रहा है मम्मी दिखा जोरों से, पोछा मार रखा इस साइड, आगे तो नहीं जा सकता, जाऊंगा तो मैं गया काम से। मैंने एक दर्जन केले लेके लिए जा रहा हूँ जल्दी से, और रुको मैं बाइक के पास पहुंच जाता हूँ। वेट चाबी कहाँ है, चाबी तो मिली, चाबी कहाँ है, गाल में डाल लियो क्या चाबी साला, सब अब कैसे सब, ए चाबी कहाँ है, अरे तो चाबी तो मिली, चाबी तो मिली नहीं रही बाइक की, बाइक तो एक थी चाबी नहीं मिल रही भाई, रुको ढूंढनी पड़ेगी। दोस्तों अब मम्मी जी है ना देखो सब कुछ रखने लग रही है, बस कुछ अब सामान अरे भैया वीडियो बना ले, सुन उस साइड से बना, उस साइड गुलाब का फूल तोड़ के लाया था और ये गेंदे के फूल है और इधर केले रखे हैं और ये आम के पत्ते हैं नो, और इस साइड घास है, कलश में पानी रखा है और ऊपर का दिख रहा है। और मम्मी जी अब तैयारी करने लग रही है, माला बनाने लग रही है। और इस साइड देखो बन चुकी है माला, वापस करने से सबसे नीचे गुलाब पकड़ लो गिर जाएगी, और फूल ले आए और इस साइड एक और गुलाब फूल ले आए। तो मैंने इसमें ना मिट्टी डाली थी मैंने, अब मम्मी जी है ना इसमें जो डालने लग रही मिलाने लग रही है, ये बड़े हो जाएंगे सतारे तैयार कर रहे हैं। हाँ जो बोला वही है और मिलाया जा रहा है, अब पानी मिक्स मेरे को भी करना है। दोस्तों जो आम के पत्ते लाए थे ना वो पानी वाले कलश के ऊपर लगा दिए, उसके ऊपर ये ढकने में है ना चावल भी रख दिए, घास भी है और उस साइड दूध और है, माला लगा दी और ये फूल तोड़ तोड़ सारे बार बार बॉन्ड की सकती है। अरे प्रसाद भी रेडी कर दिया मम्मी जी ने, उस साइड देखो दिखाओ तो ये है चार छल्ले का छोटा ना बांधने लग रही मम्मी जी मुझे
मैजिक कथा पढ़नी है। ईश्वर ने उपवास व फल हार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातः उठ के स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके व्रत रखना चाहिए, कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा का पैसे सब विधन दूर होते हैं। कथा के अंतर्गत मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण शक्तियां उपस्थित हो जाती है। वन्या और कावन्या के इस व्रत के करने से पुत्र पैदा हो जाता है। संस पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो प्राणी सलभ मनुष्य देख पाकर नवरत व्रत नहीं करता वह अनेक प्रकार से दुखी हो रहता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन को उपवास न कर सके तो ध्यान लगा के समुद्र में तो एक समय भोजन करें और उस दिन बंद से सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करें। हे वृषभते, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उपवास पवित्र इतिहास में तो सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार वृषभते जी का वचन सुनकर वृषभते जी बोले, हे ब्रह्मांड मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत को कहा कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आई और मुझ प्रकट पाकर ब्रह्मांड जी बोले, पिठित मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्रह्मांड रहता था। वह भक्ति दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानव ब्रह्मा की सबसे पहले रचना हुई ऐसी यह था। उनको नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्त अधेर देर दे बिजोरा के फूल द्वारा अधेर देने से रूप की प्राप्ति होती है। मैया जय श्यामा गोरी, तुम्हें को निश दिन दावत, मैया जी को निश दिन दावत, हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गोरी। मांग सिंदूर विराज दी को मृग मद को, मैया टी को मृग मद को, उज्जवल से दो नैना, उज्जवल से दो नैना, चंद्र वदननी को ओम जय समान कलेवर रेताम्बर जे मैया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट करिएगा और मेरे व्लॉगिंग चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, मैं मिलूँगा आपको एक और नए व्लॉग में फिर कभी। बाय।